बस ठीक सर देखिए आज जो हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सोचा था पाँच अगस्त 2019 का एक ऐसा दिन है जो मौजूदा सरकार एक तारीख साज दिन मानती है लेकिन हमारा मानना है कि ये पाँच अगस्त रियासत की सियासी तारीख में एक अलमिया है और एक सियाह तरीन दिन है उस दिन है जिस दिन गैर जमूरी, गैर आइनी तरीक़े से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खसूस दर्जा था जो खसूस पहचान थी उसको छीन लिया गया जिस दिन हमारी रियासत को एक फुल फ्लैज स्टेट से एक यूनियन टेरीट्री में तब्दील किया गया दफहर तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए के खात्मे के साथ ऐसे कानून नाफिस किए गए जिससे यहाँ का जी शूर आवाम दम बखूद है एब्रोगेशन के टाइम पे हुकूमत ने दो अहम जस्टिफिकेशन दी एब्रोगेशन को लेकर पहले उन्होंने कहा कि 370 का खात्मा से यहाँ मिलिटेंसी सपरेटिज़म ख़त्म हो जाएगा लेकिन जब आप एदाद शुमार पे नज़र डालते हैं और जब आप ग्राउंड सिचुएशन पे नज़र डालते हैं तो मिलिटेंसी में मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में कोई फर्क उनका एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस होने वाला है ये जो कश्मीर का मसला है ये डायलॉग और बातचीत और रिकन्सलिएशन से ही हल होना है आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत जमहूरीत और कश्मीरियत जब तक ये तीन प्रिंसिपल्स जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल नहीं होगा कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है यह एक मिलिट्री इशू नहीं है अनंतनाग बड़ी बदकस्मती की बात है कि अनंतनाग का जो हेल्थ सेक्टर है वो सोया पड़ा हुआ है वो बीमा देखेंगे श्रीनगर को देखेंगे जम्मू को देखेंगे वहाँ पे आप देखिए कम से कम 10 गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स वहाँ पे मौजूद हैं और दूसरी साइड से अनंतनाग है जो सारे साउथ कश्मीर को जो इवन पीर पंजाल को कैटर करता है उसके बावजूद हमारे पास सिर्फ़ एक हॉस्पिटल है और एक नाम का मैटरनिटी हॉस्पिटल